सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के राजगीर जंगल में सुबह सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बताते चले कि युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। दरअसल आपको बताते चले कि नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत जरा देवी मंदिर के समीप जंगल से एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। शव को देखकर यह प्रतीत होता है कि दो चार दिन पहले ही युवक की मौत हुई है, क्योंकि शव से काफी दुर्गंध आ रहा है। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि किसी ने युवक की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से युवक के शव को पेड़ से लटका दिया है, ताकि इस घटना को आत्महत्या का स्वरूप दिया जा सके। फिलहाल शव की पहचान होने तक हत्या और आत्महत्या पर सस्पेंस बरकरार रहेगा। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद राजगीर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर शव की शिनाख्त में जुट गई है और फिलहाल शव को सदर अस्पताल में सुरक्षित रखा गया है। इधर राजगीर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि शव बरामद होने के बाद पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। फिलहाल शव की शिनाख्त होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो बड़ी खबर नालंदा के राजगीर से सामने आ रही है, जहां राजगीर के जंगल में सुबह सुबह एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।